हाँ, तो हम पढ़ रहे थे हलंत पुल्लिंग प्रकरण। हलंत पुल्लिंग प्रकरण में चतुर शब्द के चतुर रकारां हलंत के रूपों के विषय में हम पढ़ रहे थे। आज हम बात करेंगे चतुर शब्द के ही रूपों के विषय में, लेकिन पिछले अध्याय तक हमने पढ़ा है पंचमी विभक्ति बहुवचन तक की सिद्धियां किस प्रकार से होंगी, और आज हम उससे आगे की बात करते हैं। तो सूत्र है षट चतुर्भ्यश्च, षट चतुर्भ्यश्च। षट चतुर्भ्यश्च सूत्र क्या करता है कि षट संज्ञक शब्दों, षट संज्ञक शब्दों से चतुर शब्द से परे आम अव्यय को नुडागम हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस सूत्र के अनुसार यदि पूर्व में चतुर या षट संज्ञा वाला कोई शब्द विद्यमान है और उसके बाद षष्ठी विभक्ति बहुवचन का आम प्रत्यय विद्यमान है, तब बीच में नुट का आगम हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, पूर्व में या तो चतुर शब्द हो या षट संज्ञक, षट संज्ञक कोई शब्द विद्यमान हो। पूर्व में क्या हो, चतुर या षट संज्ञक में से कोई एक, और उसके बाद षष्ठी विभक्ति बहुवचन का आम प्रत्यय। षष्ठी विभक्ति बहुवचन का आम प्रत्यय विद्यमान हो, तब षट संज्ञक या चतुर शब्द और आम के बीच में नुट का आगम हो जाता है। नुडागम, नुट प्लस आगम, नुडागम का नुडागम का जब हम खंडन करेंगे, विखंडन करेंगे, तो नुडागम का विखंडन होता है नुट प्लस आगम। नुडागम का शब्द विच्छेद क्या होगा, नुट प्लस आगम, यानी नुट का आगम हो जाएगा। नुट का आगम कब होगा, तो उसके लिए दो स्थितियां होनी चाहिए हमारे पास, या तो पहले चतुर शब्द है या षट संज्ञक कोई शब्द है। षट संज्ञक में क्या आता है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 5 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं हैं वो षट संज्ञक कही जाती हैं। क्यों कही जाती हैं, क्योंकि 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये संख्याएं गिनती में कितनी है, 6 हैं। 5 से आगे 10 तक कितनी संख्याएं हैं, 6, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, षट संज्ञक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, षट संज्ञक। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा जैसे 5 को क्या बोलते हैं हम, पंचम। 6 को क्या बोलते हैं, सस। 7 को क्या बोलते हैं, सप्तम। 8 को अष्टम। 9 को नवन। 9 को क्या बोलेंगे, नवन। और 10 को दशम, नवन और दशम। तो देखते हैं हम, नवन और दशम, ये 5, 5 6, सस, सप्तम, 7, अष्टम, 8, नवन, 9 और दशम, 10। तो ये संख्याएं कितनी हैं गिनती में, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो पहला कारण तो यही है कि इन्हें हम क्या बोलेंगे, षट संज्ञक, क्योंकि ये 6 शब्द हैं। चतुर शब्द का यहाँ उल्लेख नहीं है, इसलिए चतुर शब्द अलग से लिख दिया गया है कि चतुर शब्द से परे अथवा षट संज्ञक शब्दों से परे। तो षट संज्ञक शब्द कौन से हैं, पंचम, सस, सप्तन, अष्टन, नवन और दशन। षट संज्ञक, तो
सट संज्ञा भी जब हम लिखते हैं तो यहाँ भी पहले क्या है सट, सट का अर्थ भी क्या होता है छ, सट का अर्थ भी क्या होता है छ, और ये संख्या भी कितनी है छ, इसलिए इनको सट संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सट संज्ञा। अब आगे होगा समझ में कि सट संज्ञा में सट का अर्थ है छ। पंचम से लेके दशम तक संख्याएं भी कितनी है छ, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम सट संज्ञक बोलेंगे। तो इस सूत्र के अनुसार क्या होता है कि यदि पूर्व में या तो चतुर शब्द है या इनमें से कोई एक है, ठीक है, और उसके बाद षष्ठी विभक्ति बहुवचन का आम करते हैं तब बीच में नुट का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है? नुट का। जैसे हमने देखा चतुर प्लस आम, इस स्थिति में चतुर नुट का आगम हो गया प्लस आम, आदंतव टकितव सूत्र की सहायता लेंगे और षट चतुरभ्यस्य सूत्र से नुट का आगम हो जाएगा चतुर शब्द और आम के बीच में। नुट में से केवल नकार शेष रहेगा, उकार और टकार की इत संज्ञा हो जाती है, ठीक है। अगला सूत्र चलते हैं रसाभ्याम नोण समान पदे, रसाभ्याम नोण है समान पदे, ये क्या करता है कि नकार के स्थान पर लकार आदेश करता है, नकार के स्थान पर लकार आदेश करता है, कब करता है लेकिन, तो देखो इसके लिए स्थिति क्या है, इसके लिए स्थिति है कि जब एक पद में स्थित रेप या सका, रेप से तात्पर्य है र और सकार से तात्पर्य है सा, तो एक पद में स्थित रेप या सकार से परे नकार को लकार आदेश हो जाता है, अर्थात यदि पूर्व में सकार या नकार, पूर्व में क्या है सकार या नकार, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक हो या ये दोनों हो, ठीक है, रकार या सकार में से कोई एक अथवा दोनों विद्यमान है और इनके बाद नकार विद्यमान है, इनके बाद क्या है नकार विद्यमान है, तब इस नकार के स्थान पर नकार हो जाता है, नकार के स्थान पर क्या हो जाता है रकार हो जाता है। जैसे चतुर प्लस न प्लस आम इस स्थिति में, तो हमारे पास क्या है अगर पहले रकार है रेप है उसके बाद नकार है, तो इस नकार को नकार हो जाएगा रसाभ्याम नोण समान पदे सूत्र से, तो लिख देंगे हम रसाभ्याम नोण समान पदे सूत्र से नकार को नकार हो जाता है। आगे अगला है रोसुपी सूत्र, रोसुपी सूत्र, तो देखो ये जो प्रथम दो सूत्र हैं अभी जिनकी हमने व्याख्या की है इनसे षष्ठी विभक्ति की व्याख्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का क्या होगा रूप सिद्ध हो जाएगा। अब सप्तमी के लिए हमें दो सूत्र अलग से पढ़ने हैं, रोसुपी सूत्र है, तो रोसुपी सूत्र क्या करता है कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन के सुप प्रत्यय से परे विद्यमान होने पर रूपे स्थान पर ही विसर्ग होता है। देखो वैसे तो यह सूत्र क्या है निषेध सूत्र है, यदि तुम्हें पूछ लिया जाए कि खरव शानयो विसर्जनीय सूत्र का निषेध सूत्र कौन सा है, तो खरव शानयो विसर्जनीय सूत्र का निषेध सूत्र है रोसुपी, ठीक है। ये सूत्र क्या कहता है कि सुप प्रत्यय से जब रू रहे, सुप प्रत्यय के परे विद्यमान होने पर केवल रू हो तब ही विसर्ग होगा, अगर रू नहीं है तो नहीं होगा। खरवसाने विसर्जनीय सूत्र क्या कहता है कि अवसान की स्थिति में रकार के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाता है, ठीक है, तो यह सूत्र निषेध सूत्र है, इस सूत्र द्वारा खरवसाने विसर्जनीय सूत्र से होने वाले र का निषेध होता है, खरवसाने विसर्जनीय सूत्र से होने वाले रकार के रेप के विसर्ग का लोप क्या होता है निषेध होता है, यानी खरवसाने विसर्जनीय सूत्र क्या करता है रा के स्थान पर विसर्ग आदेश करता है, यह सूत्र क्या करता है रा के स्थान पर विसर्ग आदेश।
इसका निषेध करता है अर्थात विसर्ग नहीं होगा। ठीक है, अगला सूत्र है जैसे चतुर प्लस सु इस स्थिति में र खरावसानी और विसर्जनीय सूत्र के अनुसार इस रकार को विसर्ग भी हो सकता है, लेकिन हम विसर्ग जब कर देंगे तो फिर हमें रूप किस प्रकार से सिद्ध होगा, इसलिए निषेध सूत्र है रोसुपी, रोसुपी सूत्र से निषेध होकर यही स्थिति रहेगी। ठीक है, अगला है सर्वअची, सर्वअची सूत्र क्या करता है, तो जैसा सूत्र का विखंडन करने से ज्ञात होगा सर और अच, सर प्रत्याहार में सा 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 आते हैं अर्थात मूर्धन्य सकार, तालव्य सकार और दंत्य सकार तीनों किस में आते हैं, सर प्रत्याहार में आते हैं। तो ये सूत्र कहता है कि अज परे होने पर सर प्रत्याहार को द्वित्व नहीं होता, अर्थात सर प्रत्याहार के बाद यदि कोई अच है तब उसको द्वित्व नहीं होगा। यह सूत्र भी निषेध सूत्र है, लेकिन यह सूत्र किसका निषेध करेगा, अचो रहाभ्याम द्वे सूत्र का, तो तुम्हें दो सूत्र यहाँ निषेधात्मक प्राप्त हुए हैं, इन्हें ध्यान रखना है। अगर पूछा जाता है कि अचो रहाभ्याम द्वे सूत्र का निषेधात्मक सूत्र कौन सा है, तो सर्वअची सूत्र, तो सर्वअची सूत्र क्या कहता है कि अचो रहाभ्याम द्वे सूत्र के अनुसार अच से परे रा अथवा हा में से कोई विद्यमान होता है तब यर प्रत्याहार को विकल्प से क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है, किंतु इस सूत्र के अनुसार यर के स्थान पर जब सर हो जाए, क्या हो जाए, यर प्रत्याहार के स्थान पर सर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो और उसके भी परे अच हो, उसके भी परे क्या हो, यानी परे से अर्थ है बाद में, उसके भी बाद में क्या हो, कोई अच वर्ण हो, तो विकल्प से द्वित्व नहीं होता है, उस अक्षर को दो नहीं किया जाता है। जैसे चतुर प्लस सु इस स्थिति में, चतुर प्लस सु, तो देखो इस सूत्र से क्या होता है, इस सकार को द्वित्व प्राप्त होता है, किस से, अचो रहाभ्याम द्वे सूत्र से, तो हमें लिखना है कि अचो रहाभ्याम द्वे सूत्र से सकार को विकल्प से द्वित्व प्राप्त होता है, किंतु सरे सर्वअची सूत्र से निषेध हो जाता है और तब यही स्थिति रहेगी अर्थात द्वित्व नहीं होगा। किसका द्वित्व नहीं होगा, इस सकार का द्वित्व नहीं होगा। तो अब आपके समझ में आ गया होगा हमें क्या करना है, इन सूत्रों की सहायता से अलंत पुल्लिंग प्रकरण चतुर शब्द की रूप सिद्धियां सप्तमी विभक्ति बहुवचन तक संपन्न हो जाएंगी। अब चतुर शब्द समाप्त हुआ, अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे अस्मद और युष्मद, अस्मद और युष्मद दकारांत नपुंसक लिंग शब्द हैं, दकारांत क्या है, हलंत शब्द, सॉरी नपुंसक लिंग नहीं हलंत शब्द, यानी कि युष्मद और अस्मद क्या है, समान लिंगी दकारांत समान लिंगी हलंत शब्द है, अस्मद और युष्मद, युष्मद और अस्मद को क्या बोलते हैं हम, दकारांत समान लिंगी, क्योंकि पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में समान होते हैं। ठीक है, हलंत है क्योंकि अंतिम दकार पे क्या है, हलंत है, हलवर्ण है, अंतिम दकार हलवर्ण है, इसलिए हलंत प्रकरण में आएगा। तो आगे से हम सिद्ध करेंगे युष्मद और अस्मद शब्दों की रूप सिद्धियां और उनके आने वाले सूत्रों के विषय में। धन्यवाद।